हेलो गाइस, आज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत 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 ही हेल्पफुल है। क्योंकि जब आपके पास ईएमओ आती है तो आप सबसे पहले उसे इनवाइसिंग करते हैं, उसके बाद आप जीडीएसएमडी को कैश देते हैं, फिर आपका बैलेंस कम हो जाता है। अब और जब उसे पेड दिखाते हैं तो आपका बैलेंस कम ही रहता है। लेकिन आपके पास कोई गलत एड्रेस वाली ईएमओ आती है तो आपको उसमें भी जीडीएसएमडी को कैश देनी पड़ती और उसे रिटर्न बताने के बाद जीडीएसएमडी से कैश लेनी पड़ती है, तभी आपका कैश बैलेंस टैली होगा और आप डे एंड कर सकेंगे, नहीं तो आप डे एंड भी नहीं कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, ईएमओ को रिटर्न करने की पूरी प्रोसेस। आपको उसके लिए जाना होगा डेल ऐप में, जब आपकी डेल ऐप ओपन होगी तो आपको सबसे पहले जाना होगा इनवाइसिंग के फोल्डर में। इनवाइसिंग के फोल्डर पे क्लिक करने के बाद अगर आपका स्कैनर डिवाइस को लगा हुआ है तो आपको स्कैनर पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास जितनी ईएमओ आई है उतने नंबर डालने हैं और फिर ओके करना है। फिर आपका आपके स्कैनर में से साउंड आएगा तो आपको ईएमओ को स्कैन करना है, नहीं तो आप यहाँ पे मैन्युअली ईएमओ का नंबर इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपकी ईएमओ यहाँ पे दिखेगी, उसको आपको इनवाइस इस नाम पे क्लिक करके इनवाइस करना है। ये आपकी ईएमओ इनवाइस हो गई। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद अगर हम ईएमओ के फोल्डर में उसको चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारी ईएमओ हमको नहीं दिखेगी। आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे हमारी ईएमओ नहीं दिख रही है। तो हमको सबसे पहले जाना होगा होम में, उसके लिए आप होम पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद पहले आप बैलेंस देख लीजिए, 43,191 रुपीज़ है। उसके बाद हमें जाना है कैश में, कैश टाइप में यहाँ पे 2 GDSMD करना है। उसके बाद कैश कैटेगरी ईएमओ, आप देख लीजिए हमारी ईएमओ यहाँ पे हमें शो हो रही है। उसके बाद हमें सबमिट करना है। जैसे हम सबमिट करेंगे हमारे बैलेंस में से जितने की ईएमओ है उतनी रकम कम हो जाएगी। आप देख लीजिए इस बैलेंस में से जितने की ईएमओ है उतनी रकम कम हो गई। उसके बाद हमें ईएमओ के फोल्डर में जाना है। अब हमारी ईएमओ ईएमओ के फोल्डर में दिखेगी। हमें सबसे पहले करना है रिटर्न्स पे क्लिक, उसके बाद डिलीवरी रिमार्क फॉर रिडायरेक्शन, उसके बाद नॉन डिलीवरी रिमार्क, उसके बाद मिस सेंट, और बाद में हमें करना है सबमिट। उसके बाद ईएमओ पर देख के हम यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं। एड्रेस वन में वो जहाँ की है वहाँ का एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद आपको एड्रेस टू और एड्रेस थ्री में एड्रेस डालना है। अगर आप तीनों इसमें एड्रेस नहीं डालेंगे तो आपकी रिटर्न की प्रोसेस पूरी नहीं होगी। उसके बाद रिडायरेक्टेड टू में हमको पिन कोड डालना है। आप जैसे ही पिन कोड डालेंगे आपको वहाँ की जिस जिस एरिया का वो पिन कोड है वहाँ की लिस्ट आ जाएंगी। आपको सिर्फ वो नाम पर क्लिक करना है जहाँ की हमारी ईएमओ है, वहाँ की सिटी पर आप क्लिक करिए। इसके बाद हमें करना है सबमिट। आप जैसे ही सबमिट करेंगे हमारी रिटर्न की प्रोसेस पूरी होगी। लेकिन हमारा जो बैलेंस है हमने जीडीएसएमडी को जितना दिया था उतना ही कम होके यहाँ पे दिख रहा है, आप देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है कैश के ऑप्शन पर, उसके बाद कैश टाइप,
फ्रॉम GDSMD, हमने पहले टू GDSMD किया था, उसके बाद हमें EMOP क्लिक करना है कैश कैटेगरी में, उसके बाद करना है इसको सबमिट। आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारी कैश हमें रिटर्न मिल जाएंगी। अब हम फिर से हमारा कैश बैलेंस चेक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बैलेंस जितने की EMO है उतना बैलेंस बढ़ गया है। इस तरह हमें EMO रिटर्न की प्रोसेस में सबसे पहले EMO को इनवॉइस करना पड़ता है, उसके बाद GDSMD को कैश देनी पड़ती है, फिर हमें वो EMO के फोल्डर में शो होती है, उसके बाद हमें उसकी रिटर्न की प्रोसेस पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद फिर हमें कैश में जाके वो GDSMD से कैश लेनी पड़ती है। इसके बाद मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, आपने जो EMO रिटर्न किए वो हम कहाँ देख सकते हैं। हमें जाना होगा होम पे, उसके रिपोर्ट्स इस नाम पे क्लिक करना है, आर्टिकल टाइप में यहाँ पे EMO, इसको करना है सबमिट। आप देख सकते हैं रिसीव टुडे 1, इश्यू टू पोस्टमन 1, रिडायरेक्टेड टू 1। इस तरह से हम EMO की रिटर्न की प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।